लाइट वाले अंकल, अबे भाई रुक जा, अबे भाई रुक जाना यार, अबे अबे मेरे को क्यों डरा रहे थे ना, गांव में नहीं है सीधे तो बावर्ची बुलवाया दिल्ली से, सही से काट थोड़ा जी तो आए ऐसे वाना बनता है यहाँ पे और हम भी वेट कर रहे हैं अपने नंबर का। तो गाइस डांस तो हमने बहुत कर लिया, तो अब खाने के लिए बैठ गए हैं। अरे तुम पहुंचे, मुझे तो लगा तुम पीछे आ रहे हो, इसलिए मैंने सोचा भाई लोग पीछे हैं। हाँ हाँ सब्जी काटने का काम भी हो गया, अभी और होगा। अभी यहाँ पे खाने का इंतजार किया जा रहा है, रोटी चाय पराठे, उसको जो खाने को मांगता है। पराठों का वेट वेज सर्विस से किया जा रहा है। जोर भाई का मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही भूख लगी है, क्यों देख के लग रहा था। अबे भाई रुक जा, अबे भाई रुक जाना यार, अबे मेरे को क्यों डरा रहे थे ना। अभी यार इतना क्यों डर रहे हो तुम, मेरे को भी डरा रहे हो। एक मधुमक्खी से डर रहे हैं। पराठे पराठे और अचार, थोड़ी मजा आ गया। चल चल नितिन नितिन नितिन, बढ़िया बढ़िया कर। तो सारा पेट हमने, सारे पेटे की कटिंग कर ली हमने, हमारे लोग सलवाई बड़ी बेहतरीन कटिंग कर रहे हैं। भाई का नाम क्या है, जिम लव लोकेश को फॉलो कीजिएगा इंस्टाग्राम आईडी हैंडल, यूट्यूब पे बहुत जल्द आने वाले हैं फिटनेस से रिलेटेड। मैं कर दूंगा अपकमिंग यूट्यूबर, अपकमिंग यूट्यूबर फिटनेस से रिलेटेड कुछ भी क्वारीज होगी भाई को मेल कर दीजिए। ये सारा काम तो हो गया, पेठा हमने सब सोहा कर दिया पेठे का। अरे भाई साहब तुम तो हमारे हीरो हो, भाई पे जूम करो जरा, भाई पे जूम करना चाहिए, मैं बता रहा हूं। हां जी जितेंद्र भाई भाई भरा हुआ है, देखो रहा था वो कहां उठ रहे हो आज भी कह रहा था ए भाई भरा हुआ है। हां चाय ठंड हो जाएगा, रात में ध्यान रखना से आप भोजन कर लो। आप चाय नहीं पीते विभोर भाई अपने चाय का आनंद लेते हुए, चाय का आनंद लेते हुए दर्द का एहसास कराते हुए, और नितिन भाई चाय पीते मुंह कड़वा बनाते हुए। जब वो कड़वे होते हैं उसमें नहीं बनाता हूँ, चाय बनाता हूँ। हाँ अच्छे वाले लड़कों को बिगाड़ने वाला यही है। पानी क्या है, पानी की वेस्ट है, पानी की वेस्ट है, पानी की वेस्ट है। कर दिया एंटी, सारा कर दिया। गांव में आदमी नहीं है, कोई भूकंप दिख रहा है बंदे, कोई दो चार को गा लग रहे रहने, कोई कुछ को कुछ। गांव में नहीं है सीधे तो बावर्ची बुलवाए दिल्ली से, ये देखो पूरा टोकरा भर दिया हमने। ये हमारा उस्ताद, ये जो ब्लैक टी शर्ट में, ये हमारा उस्ताद है। सैफ तो हाई लेवल के होता है ना, उस्ताद है ये, गली वाले हैं ये, गली वाले टेंट लगता है वहाँ पे उस्ताद जी है। ढोल वाला हमारे दूल्हे भाई, जैसे कि मैं यहाँ देख रहा हूँ दिल्ली वाले भाई साहब आए, यहाँ भी मेरे को डांस दिख नहीं रहा है। ये डांस वाले भाई साहब अभी बावर्ची का काम किया, डांस अच्छा करता है। ये डांसर नहीं है सैंडी भाई, सैंडी भाई ये डांसर नहीं है, सबको डांस सिखाएगा अभी ये।
लोकेशन हमारा यू सैंडी भाई भी तो करेंगे अगर कोई डीजे है वो भी बना दिया जाए। डीजे तो हमारा वो ब्लैक टी शर्ट में है ना जो वो है हमारा डीजे बॉडी बिल्डर है और वो साथ में बैठा वो कौन सा कलर है स्काई ब्लू बोलो जो मर्जी ये ढोल वाला ये थोड़ी थोड़ी देर में फ्लोर भी दिखाते रहो बंदों को ये ढोल वाला हमारा और ये जो है ये साथ में चुनचुना हो जाता ना वो है और तू लाइट पकड़ने वाला है और मैं लाइट पकड़ने वाला लाइट वाला बच्चे भी कह रहे लाइट वाला आ गया लाइट वाला अंकल अंकल बोलना मैंडेटरी है अंकल। सैंडी भाई आपने कितना काम किया थोड़ा बताएंगे हमें कुछ किया कि नहीं किया ये ऐसी वेले घूम रहे इधर उधर आज तो मैं भी मट्टी में गंदे कर लूं कर दे अपने आप तो हम जा रहे हैं खाना बनाने के लिए तो इसमें बनता है यहाँ पे खाना ये जो है इनमें खाना बनता है अंग्रेज को कहते क्या है चौकी चलोटी चलो जी काम तो बहुत हो गया है अब थोड़ा रेस्ट किया जाए काम कर करके हम थक गए हैं अब बस थोड़ा रेस्ट करने के लिए आए हैं रूम पे अपने। विभोर भाई और चिराग भाई साहब खाने का वेट करते हुए कब मिलेगा कब नहीं पेट फूले पर अभी भी ये बैठे हुए दिखेंगे थोड़ी देर में ना अभी हाँ बस अभी 5 मिनट के अंदर तेरे साथ ही दिखेंगे जब भी मैं तो खाऊंगा भाई मेरे को तो भूख लगी है मैंने कब बोला ये नहीं ये ब्लैक जैकेट वाले कुछ कह रहे थे के लिए तैयार हैं खाने के लिए तैयार है सब पतले बढ़ चुकी है और हम भी वेट कर रहे हैं अपने नंबर का और पवन के मुंह में पानी आते हुए स्कूल टाइम पे टाट बिछा करती थी याद है चल गई हाँ तो अब खाने के लिए बैठ गए हैं हमारा डिनर टाइम और भाई बैठे हुए लाइन में आपकी बात अगर चांदी की प्लेट है घर ले जाएगा चांदी की प्लेट है ये हिमाचली हिमाचली मीठा कुछ अच्छा हो रहा है कितना टेस्टी यार तुम्हारी किस्म बेकार है तुम डलवाए डिनर करके हम ऊपर आ गए अपने रूम में और डिनर था बड़ा जबरदस्त मजा आ गया खाना खा के पहला एक्सपीरियंस था हिमाचली शादी में इतनी अच्छी डिशेज थी वो भी देसी तरह से फुल मतलब घर में जैसा बनता है सब वैसा था सब्जी थी 6 तरह की सब्जी थी चावल सब्जियाँ बड़ी अच्छी अच्छी थी और एक तो थी मीठी कुछ सब्जी थी वो कि जो कि पेठा और एक कद्दू से बनी थी वो खट्टी सब्जी थी और एक कड़ी थी एक चने की दाल थी सॉरी साबुत उड़द की दाल थी चने की दाल थी और चने की दाल थी खा के बड़ा मज़ा आया स्वाद था मशरूम की सब्जी थी मशरूम मटर की और सब्जियां हर एक सब्जी स्वादिष्ट थी मुझे खा के मजा आ गया। तो अभी हम थोड़ा रेस्ट करने आए हैं रूम में फिर अभी चलेंगे हम डांस करने के लिए हिमाचली गानों पर डांस करेंगे फुल धूम मचाएंगे फिर सो जाएंगे यार क्योंकि हम कल रात को भी सही से सोए नहीं थे बस में और अब सोएंगे
अब हम रूम में आ गए हैं, थक भी गए हैं, चलो अब सोते हैं। थक गए यार बहुत डांस कर करके। सो गाइस सभी खाना वाना खा खू के डांस वगैरह करके सभी अपने अपने स्थान पे आ चुके हैं सोने के लिए। और नितिन तो सो चुका है और चिराग और लोकेश बेड पे सो रहे हैं और मैं, जितेंद्र और विभोर भाई हम सोएंगे नीचे। हमारा जो बेड है वो नीचे लग चुका है और कल बारात जाएगी तो बारात में देखते हैं कितनी मस्ती होती है। और मे बी कल पहाड़ी ढोल ढोल दमाऊ वगैरह ये सब चीज़ें भी होंगी तो उसका उसमें भी हम अच्छे से इन्जॉय करेंगे। ये हमारा लोकेश भाई जो पीछे लेटा हुआ ये तो फुल डांस करेगा। तो कल की वीडियो देखने के लिए आप नेक्स्ट ब्लॉग का इंतज़ार कीजिए। टाटा बाय बाय गुड नाइट। हमारा नितिन भाई भी और मैं हम साथ में बैठे हुए हैं, बाकी पूरी लाइन इधर बैठी हुई है। मूंगी दाल हलवा टाइप का लग रहा है।